की तारीख है 10 अक्टूबर 1966। रिकॉर्ड चला है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, बूंद के प्यासे हम ये भक्त गाएंगे या बच्चे गाएंगे, ये भक्तों का गीत है। जब प्यार का सागर है तो बूंद के प्यासे क्यों, बूंद क्यों चाहिए, सागर में ही गोता लगा जाओ ना। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, गीत तो बनाया हुआ है आसुरी संप्रदाय का। कौन सा संप्रदाय? आसुरी संप्रदाय। जब है ही आसुरी संप्रदाय तो प्यार कितना पाया होगा, है भरपूर प्यार तो पा नहीं सकते क्योंकि आसुरी संप्रदाय है। भगवान का प्यार किसको मिलता है? देव आत्माओं को मिलता है या राक्षसी आत्माओं को मिलता है? देव आत्मा अभिमानियों को ईश्वरीय प्यार मिलता है, देह अभिमानियों को ईश्वर प्यार नहीं। तो ये गीत आसुरी स्वभाव संस्कार वालों ने बनाया है, तेरी एक बूंद के प्यासे समझ। करोड़पति अरबपति का बच्चा हो और कहे तेरे एक एक पैसे के प्यासे हम, इसका मतलब है कि करोड़पति बाप से विमुख हुआ बच्चा है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। जो भी गीत बनाते हैं वह शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो बनाने वाले या सुनाने वाले समझते कुछ भी नहीं, जो कुछ भी पढ़ते आए हैं उससे कुछ भी कल्याण नहीं हुआ है। 2000 साल से पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, कल्याण तो कुछ भी हुआ नहीं, और ही अकल्याण होता आया है। बाप ने समझाया है भक्ति से है दुर्गति अर्थात अकल्याण, भक्ति माना अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा पूर्वक जो भी कार्य बिना समझे किया जाए वो भक्ति की लिस्ट, अकल्याण होता है। सर्व का अकल्याण करते ही आते हैं और सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम जानते हो हमारा कल्याण करने आया हुआ है, दुनिया ने तो अकल्याण किया है। दुनिया में बहुत से बड़े बड़े महात्माएं संत धर्म पिताएं आए लेकिन अकल्याण किया। अभी बाप आया हुआ है कल्याण करने, कल्याण का रास्ता बताए रहे हैं, सीधा सीधा कल्याण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कल्याण का रास्ता बताते हैं, खास भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला बाप है। क्यों खास भारतवासियों का? क्यों उसे खास लगाव है क्या? भारतवासियों से इसलिए लगाव है कि भारतवासी प्योरिटी को महत्व देते हैं, अभिविचारी वृत्ति को महत्व देते हैं। और विदेशियों से लगाव इतना ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वो विचार को बढ़ावा देते हैं, इम्प्योरिटी को बढ़ावा देते हैं। तो आम सारी दुनिया का भी कल्याण तो करना ही है, माना विदेशियों को कितना भी समझाओ लेकिन वो विचारी वृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है। सत्युग में सबका कल्याण होता है, सुखधाम में तो सुखी ही होगा ना, नाम ही है सुखधाम तो दुख कहां से आया? ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वहां सुखी सुख होता है, उन शास्त्रकारों की बुद्धि में तो है कि वहां भी हिरण्यकश्यप था,
त्रेता में रावण था, तो उनकी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। तुम पॉइंट्स धारण करते हो, परंतु बुद्धि में से पॉइंट्स कभी कभी खिसक जाते हैं, ठहरते नहीं है। क्यों खिसक जाते हैं? आसुरी दुनिया वालों का, देह अभिमानियों का संग का रंग लगता है, खान पान का भी कुछ असर पड़ता है, तो अन्न दोष और संग दोष में आने से कुछ न कुछ लेस लग जाता है और पॉइंट्स बुद्धि में से खिसक जाती है। ऐन मौके पर याद नहीं आता, पूरी धारणा ही नहीं करते। माना जो पॉइंट्स सुने उस समय जीव का त्यों पूरा धारण करें, वो धारणा होती नहीं है। और धारणा न होने का कारण क्या बताया? शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। अगर थोड़ा भी मिट्टी का पात्र है तो जहाँ जहाँ मिट्टी है वहीं से निकल जाएगा। मिट्टी माना देह अभिमान, देह अभिमान जितना जितना मिट्टी का पात्र बना हुआ है, आत्मा जितनी देह अभिमान में व्यस्त है, खिंची हुई है, मिक्स हुई पड़ी है, तो वहां से ही लीकेज ज्ञान की होती है, पूरी धारणा नहीं होती। अगर एक एक पॉइंट में विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बच्चे विचार सागर मंथन ही नहीं करते। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्यों में भी इतना अकल नहीं रही है। ये क्या बात हुई? जानवर से बदतर क्यों बता दिया? क्या कारण हुआ? जानवर नहीं, मिसल नहीं, जानवरों से भी बदतर बता दिया। ऐसे क्यों? विकार ज्यादा है, जानवरों में भी तो विकार होते हैं, लेकिन बदतर क्यों कह दिया? उससे भी ज्यादा नहीं। जो जितना ऊंचा होता है, मान लो कोई राजा का बच्चा है या और कोई साधारण व्यक्ति का बच्चा है, दोनों कुसंग में आ जाए, तो ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? जो राजा का बच्चा होगा वो ज्यादा नीचे गिरेगा, उसमें पावर ज्यादा है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी मनुष्य में बौद्धिक पावर ज्यादा है, तो बुद्धि का नाजायज फायदा उठा करके और ही ज्यादा जानवरों से भी बदतर हो जाता है। हद की भी बात है, तो मिट्टी के पात्र में डालो, वो बहुत गर्म होता है। तो कोई सोने के बर्तन तो नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, सोने के बर्तन नहीं होंगे, लेकिन मिट्टी का भी नहीं होगा। कम से कम अच्छी अच्छी मेटल तो होगी है, लेकिन यहाँ बताए मिट्टी का पात्र, माने देह अभिमान की मिट्टी जहाँ है वहाँ वो नहीं, बेहद में भी है। बाबा तो हद में भी बोलते हैं, हद में भी बेहद में भी बोलते हैं। जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद की बात भी उठाते हैं, और हद की दुनिया में तो सब है ही है। तो जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्यों में भी इतना अकल नहीं है। जानवर घास खाता है तो उगाड़ता रहता है ना, जुगाली करता है ना। तुमको ये भोजन मिलता है, ये ज्ञान का भोजन मिलता है, ज्ञान की घास मिलती है, ज्ञान का दूध मिलता है, तो उगाड़ना चाहिए ना। फिर सारा दिन उगाड़ते क्यों नहीं हो? माया घुमा, वो तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुंह चलता ही रहता है। दो चार घंटे घास चुगेगी, फिर सारा दिन उगाली करती रहती है। ये तुमको कितना ज्ञान का घास मिलता है, योग और ज्ञान, उस पर विचार सागर मंथन करते रहना है। जिनको सर्विस का शौक नहीं है वो विचार सागर मंथन नहीं कर सकते। क्या कारण बताया? विचार सागर मंथन न होने का, सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं, उसका शौक। जितना जितना दूसरों को सुनाएंगे उतना अपना अपना बुद्धि का मंथन जास्ती चलेगा, और मंथन बुद्धि का जास्ती चलेगा
तो ज्ञान जो है बड़ेगा नहीं, ज्ञान में से मक्खन निकलेगा। जितना जितना मथेंगे, दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। गीता ज्ञान अमृत अभी नहीं कह सकते, मुरली में बोला माने ब्रह्मा के द्वारा जब तक बोला गया तब तक गीता ज्ञान अमृत नहीं था, और अमृत नहीं है तो उसमें ताकत नहीं उतनी नहीं होती है। तो अभी ज्ञान अमृत नहीं कह सकते, इसका मतलब आगे एडवांस पार्टी के बच्चे निकलेंगे, आत्मिक स्थिति वाले होंगे, तो जो मनन चिंतन मंथन करके जो नई नई बातें निकालेंगे वो पावरफुल ज्ञान होगा, और पावरफुल ज्ञान होने से बुद्धि बहुत तरोताजा रहेगी, उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा। तो बताया ये तो ज्ञान धन है, जितना दूसरों को देंगे उतना अपना जास्ती बढ़ता जाएगा, और नए नए पॉइंट्स निकलेंगे तो वो आपकी अपनी चीज हो गई। एक होता है कि किसी से लिया और दिया, और दूसरा है खुद पैदाइश की और फिर दूसरों को बांटा, तो उसमें भाग्य जास्ती बने। बच्चों को शौक नहीं है, कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक भी होता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गऊओं को घास आदि देते हैं, वो भी समझते हैं बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इन पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और तुमको सर्विस का शौक बढ़ेगा। अगर विचार सागर मंथन करेंगे, दोनों बातें अरस परस हैं, विचार सागर मंथन करेंगे तो क्या फायदा होगा, सर्विस का शौक बढ़ेगा, दूसरों को सुनाएं। ये पॉइंट हमारे से नहीं निकली, हम दूसरों को सुनाएं, दूसरों को सुनेंगे, दूसरों को खुशी का दान देंगे तो हमारी खुशी अपने आप बढ़ती जाएगी। खुशी बढ़ने का कारण क्या, सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप याद करते हैं। किसको याद करते हैं, जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक जितनी जास्ती यीशु की सेवा में रहते हैं तो बाबा उनके साथ रह करके उनको याद खुशी की पावर देते रहते हैं। दुनिया भगवान को याद करती है, याद करने से शक्ति मिलती है, खुशी बढ़ती है, हल्कापन आता है, और भगवान जिन बच्चों को याद करे तो उनका तो बहुत रसा चढ़ेगा। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, सर्विस का शौक बढ़ता रहेगा। कोई लोटा भर लेते हैं तो कोई बूंद ले लेते हैं, विचार सागर मंथन न किया तो क्या लिया, बूंद ले लिया, स्वर्ग में तो चले जाएंगे क्या, स्वर्ग में तो मेरे सन्मुख आकर के जो एक बूंद भी लेकर के जाएंगे तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुल नहीं है, यूं तो सागर को हप करना है, सिर्फ बूंद नहीं लेनी है, क्या करना है पूरे सागर को। जैसे अगस्त ऋषि का मिसाल है, उन्होंने क्या किया, पूरा सागर लोटे हप कर लिए, कोई तो सारा ही हप कर लेते हैं और कोई एक बूंद लेते हैं, माने कोई परसेंटेज में लेते हैं, 1% भी नहीं लेते, और कोई 100% भी ज्ञान सारा ही धारण कर लेते, फिर भी जो एक बूंद भी लेते हैं तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाकी जितना जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माने क्या हुआ कि जो जितना ज्ञान में गहरा जाएगा, ज्ञान की जितनी धारणा करेगा वो उतना ऊंच पद पाएगा। यहाँ बड़े और छोटे किसको समझा जाता है, जो ज्ञान में अभी हम समझते हैं बड़ा है, ज्ञान में भी बड़ा कई तरह से देखा जाता है। एक तो होता है सुनाने वाला, सुनता बहुत है सुनाता बहुत है तो देखने वाले समझते हैं ये तो बड़ा ज्ञानी है, सुनना सुनाना तो ज्यादा करता है लेकिन धारण नहीं करता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये दुनिया को दिखाने के लिए इसमें ज्ञान है लेकिन वास्तव में अंदर से खोखला है। और कोई ऐसे होते हैं सुनते भी है सुनाते भी है धारण भी कराते हैं और करते भी है दूसरों को भी कराते हैं, तो वो सही हुए। तो
पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फल भी आता है, फूल भी आता है, पत्ते भी आते हैं। तो पेड़ ऐसे हैं जिनमें फूल ही फूल आते हैं, पत्ते होते ही नहीं। तो पेड़ ऐसे होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल नहीं आते। तो श्रेष्ठ कौन से हुए? फल भी आए, जिसमें फूल ही फूल आए, जिसमें फल ही फल आए, पत्ते बहुत थोड़े हो। जैसे बादल का मिसाल देते हैं ना, बादल कोई कोई तो काले काले बहुत घुमड़ घुमड़ के आते हैं, बहुत गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं। कोई ऐसे हैं बहुत बरसते हैं, गरजते कम है, बरसते ज्यादा है। कोई ऐसे होते हैं गरजते भी हैं तो बरसते भी हैं। बढ़िया कौन से हुए? जो बहुत बरसे, तो बरसात से फायदा होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं, गजगोर बहुत मारेंगे, हमने इतना ज्ञान सुनाया, हमने इतनी सेवा की, तो मुख से बोलने से वो ताकत कम हो जाती है, बोलना कम और करना ज्यादा। तो जितना जितना धारणा करेंगे, सुनने सुनाने से ऊंचा पद नहीं पावेंगे, समझने और समझाने से उतना ऊंचा पद नहीं पावेंगे। कैसे पावेंगे? जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद पावेंगे। बाकी स्वर्ग में तो एक बूंद से चले जावेंगे, मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा जल की बूंद दे देते हैं। क्या करते हैं? इतना महत्व क्यों है भक्ति मार्ग में गंगा जल की बूंद का? है? अरे ज्ञान तो गंगा थोड़ी सुनाती है। ठीक है, प्यार का सागर है तो जो सागर है सागर से ही लोटा भर लो ना, नहीं जाओ पूरा। सागर मिला नहीं तो बूंद से, सागर नहीं मिला तो बूंद से लिया है। नहीं सर, गंगा जो है जिसको सर के ऊपर चढ़ाया गया है, वो सर के ऊपर बच्चों को उनको चढ़ाया जाता है जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत सर्विसेबल बच्चे होते हैं। तो जरूर गंगा ने बहुत सर्विस की होगी, इसलिए बाबा ने हमारे प्यार के उसको सर के ऊपर चढ़ा धारण कर लिया है। तो बच्ची ना तो धारण किया हुआ है, इससे ये साबित हुआ कि वो बच्ची में प्योरिटी की पावर ज्यादा है। उस प्योरिटी की पावर के आधार पर वो जिसको जिसको ईश्वर का ज्ञान सुनाती है वो ज्ञान उनको असर कर जाता है। तो गंगा जल की बूंद का कितना महत्व है। कोई घर में सदैव गंगा जल पीते हैं क्या? ज्ञान तो ईश्वर आकर के देता है, लेकिन महत्व तो गंगा जल का इतना जास्ती क्यों है? क्योंकि ईश्वर जिस तन में आकर के ज्ञान देता है वो तो पुरुष तन है, और पुरुष तन सारे दुर्योधन दुशासन है, इसलिए उनका इतना महत्व तो नहीं है। गंगा जल का जास्ती महत्व तो क्या बनना चाहिए? ज्ञान गंगा बनना चाहिए ना। ऐसे तो पार्वती भी बैठी है, गोदी में बैठी है नीचे, और गंगा जी कहाँ बैठी हुई? सर के ऊपर बैठी हुई। और भगत कहाँ बैठे हुए? नीचे बैठे हुए। तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी हुई? जो सर नीचे के ऊपर, जो सर के ऊपर बैठी बहुत श्रेष्ठ हुई। तो कोई घर में सदैव गंगा जल पीते हैं, कितना पीते होंगे, गंगा तो बहुत ही रहती है। उनको तो कोई हप कर ना सके, तुम्हारे लिए गाया हुआ है सागर को हप कर लिया क्या? तुम्हारे लिए माने बाबा के सामने कोई बच्चे हैं, भले इमर्ज करके बाबा अपने सामने रखा हुआ है, उनके लिए बोला कि तुम्हारे लिए तो ये प्रसिद्ध है क्या कि सागर को हप कर लिया। तो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जो नजदीक आएंगे वो तो हप करेंगे, जास्ती सर्विस करते हैं, नजदीक आ जाते हैं तो वो माला में पिरो जाते हैं। नजदीक नहीं आते, सर्विस जास्ती नहीं करते, कौन सी सर्विस? ईश्वरीय सेवा जास्ती नहीं कर पाते हैं तो माला में नहीं आ पाते। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं वो पद भी ऊंचा पावेंगे। जितना कल्याण करेंगे उसकी निशानी क्या होगी? खुशी बहुत बढ़ेगी, हल्कापन बहुत आएगा। दूसरों को ज्ञान सुनाने से अपने अंदर हल्कापन भी आएगा और खुशी भी चढ़ेगी।
और अगर कोई कोई ऐसे होते हैं बहुत सुबह से शाम तक सेवा करते हैं और शाम को मुंह लटक जाता है, इसका मतलब उन्होंने सेवा तो की लेकिन अगर खुशी का बेवा नहीं मिला तो उन्होंने जरूर कहीं न कहीं स्वार्थ पूर्वक सेवा की है, डिस सर्विस की है, वास्तव में सर्विस नहीं की। धनवान को तो बहुत खुशी होती है कि हमको तो बहुत धन है। यहाँ कौन से धन की बात है? यहाँ जिनके पास जास्ती ज्ञान धन की धारणा होगी उनको जरूर खुशी रहेगी। हम दान कर सकते हैं, इनके पास तो है ही नहीं तो दान कहाँ से करेंगे। हम तो दान धर्म भी कर सकते हैं, बड़े बड़े दानी होते हैं, काले जीजे धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते रहते हैं। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, वहां जिसको धन कहते हैं उस दुनिया में वो तो विनाशी धन है और तुमको अविनाशी ज्ञान धन मिलता है। अविनाशी क्यों का? सत्युग में ये ज्ञान रह जाएगा क्या? नहीं, अविनाशी काय के लिए? जब सत्युग में रहेगा ही नहीं तो अविनाशी क्यों? इसी ज्ञान से मनुष्य है, ये धन ही तुम्हारा स्थूल धन बन जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। जो यहाँ जितना ज्यादा बड़ा ज्ञानी होगा उतना वो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनेगा। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न तुमको मिलते हैं, ये है 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति ध्यान कर और दूसरों को दान भी करना है। जैसे कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, लिखते हैं बाबा हमको दिल होती है कि नौकरी छोड़ करके इस रूहानी सर्विस में लग जाऊं। लक्ष्मण सुंदरी का नाम सुना होगा, दिल्ली में एक लक्ष्मण भाई है एक सुंदरी माता, तो दोनों की बाबा ने गंधर्व विवाह करा दिया। वो गीता पाठशाला खोल करके वहां बैठे हुए हैं। अच्छा यहाँ भी था, अच्छा। तो वो हरियाणा के बच्चे से बाबा ने बोला, लक्ष्मण बच्चा है, बाबा हमको दिल होती है कि हम नौकरी छोड़ करके रूहानी सर्विस में लग जाऊं और प्रोजेक्टर लेकर के फिरता रहूं, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो उनको सर्विस का बहुत शौक है, जैसे डॉक्टर है उनको भी बड़ी हिस्से है। तो डॉक्टर बच्चा होगा तो उनको बोला इनको भी बड़ी हिस्से है, हर एक की अवस्था को बाबा जान लेते हैं। क्या इनको सर्विस का तो उतना शौक नहीं है लेकिन दूसरे को देखते हैं ये जास्ती सर्विस करते हैं तो उनसे ईर्ष्या बहुत करते हैं। खुद नहीं करेंगे लेकिन ईर्ष्या करेंगे, तो बाबा सबकी अवस्था को जान लेते हैं। सर्विस के साथ है फिर गुण भी चाहिए। क्या गुण चाहिए? कोई सर्विसेबल बच्चा है तो उसको देख करके खुश होना चाहिए, खुश होना उसको आगे बढ़ाना, ये है गुण। और कोई आगे बढ़ रहा है और उसको देख करके हिस्स पैदा करना, जलन पैदा करना, ईर्ष्यादेश पैदा हो जाए, ये तो अवगुण की बात होगी। क्रोध भी नहीं होना चाहिए, कोई भी उल्टा सुल्टा ख्याल आप किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। ऐसे होता है आपस में गुरु भाई है भगवान से ही पढ़ रहे हैं, फिर क्या करते हैं एक दूसरे से ईर्ष्यादेश करते रहते हैं, हिस्स करते रहते हैं, ये आगे बढ़ रहा है, खुद नहीं आगे बढ़ेंगे लेकिन दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको क्रोध करेंगे, घड़ी घड़ी उसमें आएंगे। तो बोला क्रोध नहीं होना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी नहीं हो, ये ईर्ष्या देश ये भी क्रोध के बच्चे हैं। तंदुरुस्त रहना चाहिए, जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है, कम है क्या विकार कम, जिनमें विकार कम है माना ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है जिसमें विकार नहीं है लेकिन कम है तो बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त, हाँ ये तंदुरुस्त बच्चा है।
बाप महिमा तो करेंगे ना, गाया भी हुआ है। कौन कौन अच्छे महारथी हैं? जो अच्छे अच्छे महारथी हैं उनके नाम शास्त्रों में गाए हुए हैं। उन्होंने फिर आसुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई दी है। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात। यहाँ असुर भी है और ब्राह्मण भी है, सच्चे ब्राह्मण माना रावण कुंभकर्ण जैसे नहीं, नहीं गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से, और आसुरी ब्राह्मण उनकी तादाद बहुत होती है। तो बोला असुर और देवताओं की लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, यहाँ की सारी बातें। यहाँ भी चेहरे तैयार हो रहे हैं क्या? फीचर्स तैयार हो रहे हैं। वो चेहरे जो है वो शास्त्रों में फिर चित्रों में दिखाई जाएंगे। कहा महाराष्ट्र में जो गुफाएं बनी हुई है ना, उन गुफाओं में वो पहले पहले चेहरे तैयार होंगे। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हैं, उनमें चित्र दिखाए गए हैं। कोई असुरों के चित्र हैं और कोई देवताओं के चित्र हैं। तो वो सारी महिमा जो है, महिमा है या ग्लानी है, वो सब अभी चित्रों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाली। देवताओं की जीत हो गई, देवताओं असुरों की लड़ाई दिखाई, कहते हैं देवताओं की जीत हुई। अब हमारी तो लड़ाई है पांच विकारों रूपी असुरों से। बाबा बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, कोई ये न कहे कि इन्होंने आपस में लड़वाई दी। तो हमारी काय की विकारी लड़ाई है, विकारों की लड़ाई है। ठीक है, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के। अच्छा, जब पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के और चित्र बना के रख दिया, तो चित्र काय की यादगार? चरित्र की यादगार। तो चरित्र करने वाला कोई तो होगा कि बिना चरित्र किए कोई चित्र बन गया। इसका मतलब बाबा सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि अभी रावण के जो चेहरे हैं वो अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और कोई किस्म में मनुष्य असुर नहीं होते हैं। असुर सिर्फ दैवी गुण धारण न करने से होते हैं, दैवी गुण धारण करने से देवता बनते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको असुर कहा जाता है। नंबर वन आसुरी स्वभाव है क्या? वो दो नंबर है काम भी काम। इसलिए सन्यासी भी इनको छोड़ करके भाग जाते हैं। करना क्या चाहिए? नहीं करना चाहिए, ग्रस्त में रहना, भागना नहीं चाहिए। पहलवान कौन है? पहलवान जो मुकाबला करे वो पहलवान, या जो भाग जाए सो पहलवान? जो मुकाबला करे वो, जो मुकाबला करे वो पहलवान। तो अगर भाग गए तो दुनिया की नजरों में वो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। आखिरी रूप की पोल पट्टी भूल ही जाएगी। तो सन्यासी छोड़ करके भागते हैं। आसुरी गुणों को छोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं। बाबा तो तुमको सहज राजयोग सिखाने आया है क्या? बाबा से जास्ती सहज और कोई इस लड़ाई को कोई सहज नहीं कर सकता। रहना भी गर्भस्थ में है, ऐसे नहीं छोड़ के भागना है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। जो जो आसुरी स्वभाव है दृढ़ प्रतिज्ञा करके छोड़ते जाओ, पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। मूल बात क्या बताई? एक ही दृढ़ता धारण कर लो कि मन से, वचन से और कर्म इंद्रियों से हम कोई ऐसा कर्म न करें जिससे दूसरे को दुखी महसूसता हो। परसेंटेज में थोड़े भी दुखी महसूसता होती है, एक्साइटमेंट में आकर के हमने लाल लाल पीली आंखें कर दी और किसी को दुख हो गया, या कोई भी इंद्रिय से कोई भी कर्म कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट अच्छा अच्छा नहीं हो सकता। अभी तो 100 गुना वजन चढ़ रहा है। अगर हम श्रीमत के बरखिलाफ थोड़ा भी विकर्म करते हैं, जो मुरली में श्रीमत बताई गई है और श्रीमत के अनुकूल हम नहीं चलते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं संकल्प करते हैं, विपरीत संकल्प करते हैं, तो उसका 100 गुना बोझ चढ़ जाता है।
तो आश्रम स्वभाव छोड़ना है, पवित्र बनने से जीवन मुक्ति मुक्ति मिल सकती है। कितनी भारी प्राप्ति है, वो तो घरबार छोड़ जाते हैं, उनको प्राप्ति कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि घरबार छोड़ा तो दुख दिया ना, क्रोध आ गया, हमें नहीं चाहिए। कहा तो उनको स्वीकार किया, उनकी जिम्मेवारी ली, और जिस चीज की जिम्मेवारी ली फिर उसको छोड़ देना, ये तो कायरता हो गई। न उनका योग है न उनका ज्ञान है। क्यों? सन्यासी के पास ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान तो एक ईश्वर से आता है, और वो कौन सा ज्ञान पर सुनते पढ़ते हैं? वो तो शास्त्रों का ज्ञान सुनते पढ़ते हैं, अनेक मनुष्यों का लिखा हुआ, अनेक मनुष्यों का बोला हुआ ज्ञान सुनते हैं। तो वो तो अनेक मुखों का ज्ञान रावण का ज्ञान हो गया। भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है एक शिव बाबा से। तो उनको मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उनका योग भी नहीं है, उनका ज्ञान भी नहीं, पाप से विपरीत बुद्धि है। कैसे? बाप जो योग सिखाते हैं उससे वो विपरीत योग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मन का, वाचा का, कर्मेंद्रियों का एक से संबंध जोड़ो, और वो क्या कर देते हैं? वो योग सिखाते हैं तो भी क्या करते हैं? पहले आंखों से हमसे दृष्टि लो। तो जात जाति के पुरुष, जात जाति की स्त्रियां, कन्याएं, माताएं बैठ करके जात जाति के पुरुषों से दृष्टि का योग लेने लगे। अब आंख को इंद्रिय नहीं है क्या? आंख भी तो क्या है? सबसे बड़ी आंख भी तो इंद्रिय है ना, आंख इंद्रिय है। तो इंद्रियों का व्यभिचार हुआ, और वो इंद्रियों का व्यभिचार बढ़ेगा तो वाइब्रेशन जो है वो उल्टे नहीं चलेंगे। आंख जो है वो सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग है। सबसे जास्ती धोखा देने वाले अंग से ही अगर हम व्यभिचार करेंगे तो दुनिया तो बड़ी जल्दी पतन के गर्त में गिरती जाएगी। तो वो विपरीत बुद्धि है। कौन? वो साधु सन्यासी, चाहे बाहर की दुनिया के हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के हो, वो योग नहीं सिखाते हैं, वो भोग करना सिखाते हैं। बाप आकर के असली राजयोग सिखाते हैं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, समझाने की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। इन चित्रों की तरफ इशारा करती थी। लक्ष्मीनारायण का चित्र रखा रहता था, त्रिमूर्ति का चित्र बाजू में रखा रहता था, और बाबा उनकी तरफ इशारा करते थे कि इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी वो चारों चित्र उड़ाई दिए, और देखो इस कमरे में से भी उड़ाई दिए। क्यों भाई? एडवांस पार्टी में पुराने चार चित्र नहीं मिल रहे? बनाने हैं। बनाने क्या, बने हुए रखे हैं वो तो लाए हैं, लेकिन अभी बनाना है। फ्रेमिंग करने में कितनी देर लगती है? अलबेलापन ये भी छठा विकार है। समझाना हमारे अंदर नहीं था, इतना नए नए थे तो समझ भी लेनी चाहिए ना। कोई बोले कि समझाओ तो थोड़ा हम कम थे। अच्छा अच्छा, इसलिए अभी अभी समझ आए तो हमसे बनवाना रख दिया। थोड़ा बहुत समझाओ, बाद में कह दो कि हम दूसरी बहन को बुलाएंगे, होशियार को सरिता को बुला लो, उसको समझा दो। चित्रों को तो लगाओ, बनवाना तैयार रख दिया है। अच्छा बाबा, आप समझा सकते हैं? अभी समझ गया, समझ पड़े तो देवे कुछ, नहीं तो ऐसा लगता कि क्या। तो देखो इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाने की है। वो मनुष्य तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, क्या दिखावे के लिए। कौन से मनुष्य है वो मनुष्य? कौन से मनुष्य जिनकी ये शुरुआत से बात होती चली आ रही है? वो आसुरी मनुष्य जो है वो चित्रों का सिर्फ शो करते हैं, उनको गहराई से समझाते नहीं। समझाते भी है तो बस ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, चार त्यो, ये तीन देवताओं का ज्ञान हो गया। चार युगों का ज्ञान समझाएंगे सची चक्र में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम में, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब चक्र घूमता है। उनको समझाना आता ही नहीं। उन्होंने ली है बूंद, और तुमने लिया है सागर का सागर, सारा ही हप कर लिया।
वो कपड़ों की दुनिया में तो अभी ये भी पता नहीं है कि ये चार चित्र भी थे। अब तो बिल्कुल उन्होंने तो मालूम ही नहीं है, उनको तो मालूम ही नहीं है, नए नए निकल रहे हैं। हम किसी को बोलते हैं 30x40 का चित्र तो होगा, बोला था हमने देखा ही नहीं है। आप वाले बोले हमारे घर आते पूछते हैं ये चित्र तुम कहां से लाए, कहां से लाए हो, कहीं झूले से आते हैं तो ये लिखा है ब्रह्मा कुमारी आसु। नहीं अब नहीं मिलते हैं इसलिए, उसमें तो नीचे छपा हुआ है ब्रह्मा कुमारी यीशु मसीह। कोई सेंटर से देखा ही नहीं है, अब देते ही नहीं है वहाँ तो माउंट में नहीं देते। तो देखो चित्रों का वो शो करते रहते हैं, तुम चित्रों को सिर्फ शो नहीं करते हो, तुम क्या करते हो बता, तुम चित्रों को समझाते हो और सिर्फ जड़ चित्र ही नहीं समझाते हो, मूर्ति का चित्र तुम उनको जड़ चित्रों को ही समझाते रहो, नहीं तुम चैतन्य चित्रों के बारे में भी बताते हो कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर। इसलिए बाबा ने मुरली बोला है तीनों चित्रों को एक्यूरेट बनाओ, एक्यूरेट चित्र बनाएंगे तो समझाने में तुमको आसान आसान हो जाएगा। तो सिर्फ चित्र देखने के लिए देखो कितने जाते हैं, ये चित्र भी एक्यूरेट तो नहीं है, इसको और मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल होना चाहिए। बाबा इन्हें एडवांस में तो मालूम है क्या बना है, वैष्णो देवी का और इधर ब्रह्मा का ऐसा बना है, चित्र बीच में वैष्णो देवी तो ठीक तो है, ऐसे बनाए तो गलत तो नहीं, वो ठीक है लेकिन वो मास्टर शंकर दूसरा कोई बना हुआ है, वही मैंने बताया था मास्टर शंकर दूसरा है, मास्टर शंकर मैंने आपको बताया ना वही है, वो चित्र बनाते हैं सिर्फ लेकिन यहाँ समझाने की बात है, बनाए भी और फिर साथ में समझाए भी, समझाने का मतलब प्रूफ प्रमाण दे करके बताएं कि ये इस तरह ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये शंकर शंकर, तो वो सिर्फ चित्र देखने के लिए जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ देखने से फायदा नहीं, समझ में भी तो आना चाहिए। यहाँ तो इन चित्रों का बड़ा भारी ज्ञान है, क्या चित्रों का भारी, इन चार चित्रों में ही दुनिया की सारी नॉलेज समाई हुई है। इसके ऊपर एक कैसेट चाहिए, कैसेट इससे तो बहुत फायदा है, हाँ जी कैसेट है, सीडी चली है, हाँ जी इन चित्रों में तो बहुत फायदा है, कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है कौन, इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है, क्या कला की कोई जरूरत, हाँ आजकल तो ढेर के ढेर चित्र माया की मत में बनाए हैं, उनमें बहुत कलाकारी दिखाई है, यहाँ आर्ट आदि की कोई बात नहीं, नहीं है ना, कोई बनाने वाले का नाम आदि है, क्या जो चार चित्र हैं उनमें बनाने वाले का कहीं नाम लिखा है नहीं, नहीं। और जो नए नए छोटे छोटे चित्र हैं उनमें सब में रमेश हुआ है, रमेश छोटा छोटा जरूर लिखा हुआ है, जितने भी चित्र बनाए हैं उनमें सब में बनाने वाले का नाम दे दिए, यहाँ तो बनाने वाला कौन है, बनवाने वाला कौन है, वही बनाने वाला वही बनवाने वाला। निर्मल शांता देवी की जीवन के अनुभव की किताब निकली है, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि सेवाक्रम उत्सव थे ना, बाबा की किताब बनाई है उसमें भी बताया है, बाबा का भागीदार था, तो उसमें लिखा है कि जो कलकत्ता में जो बिल्डिंग थी उनकी दुकान की उसका फोटो दिया है, और पहली मंजिल पर दुकान थी, फोटो ओरिजिनल फोटो नहीं दिया है अभी, नहीं उसकी इसमें है, बाबा ने मुरली में बोला है ये तीर्थ यात्रियों के पास उनका फोटो भी है, पर तो किताब में दिया है लिखा हुआ है, किताब में जो नाम वो फोटो दिए हुए हैं वो विश्व किशोर का फोटो दिया हुआ है, आनंद किशोर का फोटो दिया है, सबके फोटो दे दिए, बाबा का जो मुख्य बताया उसका फोटो नहीं, बाबा ने मुख्य बोला है कि वो जो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, मम्मा बाबा उनका फोटो भी दीजिए इनके पास, बच्चियों के पास है, दादी को मालूम है ऐसा बोला है, दादी उनके बारे में जानती है सब कुछ, सारी हिस्ट्री जानती है लेकिन बताती नहीं, माने नहीं बताती क्यों, क्योंकि अगर उनके बारे में भेद खुल गया तो दीदी दादी और सारे तो बाबा इनके पास तो एडवांस का नॉलेज तो बहुत तो गया ही है, उसमें सेवाग्राम का जो उल्लेख करते हैं वो सेवाग्राम का निर्मल शांता देवी ने अभी क्लैरिफिकेशन किया है, तो क्यों किया, वो भागीदार था और वो ईमानदार था, ऐसी सब बातें तो लिखी हुई है, हाँ जी हाँ जी, तो ये जब बहनो ही था तो श्रेष्ठ ही व्यक्ति होगा ना, तो जैसे खून होता है तो
उनका कुछ कनेक्शन होता है कि नहीं? जब निर्मल शांता दादी इतनी बढ़िया है तो उनकी माँ कितनी श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ है, तो उनके तो नाम आदि लगे हुए हैं। उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसमें तो उन्होंने नाम आदि दे दिए। पैनल में तो ऐसा बताते हैं कि जसोदा जो है ना वो राधा बनने वाली, ऐसा बताते प्रकाश मुंडा जी ने ऐसा बोला। टीचर्स बहनों की जो भट्टी होती है उसमें बहनों ने ऐसा बताया कि जो जसोदा थी बताने से नहीं मान लेना चाहिए, बताने के साथ साथ प्रूफ भी चाहिए उसकी पूरी। वो बायोडाटा होनी चाहिए। हमारा बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, बरोबर। तो जब हमारा बाप ही बुद्धिमानों की बुद्धि है तो बच्चे कैसे होने चाहिए? बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। तो बुद्धिमान वो जो सुनी सुनाई बातों में विश्वास न करे, हर बात का, जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो हर बात का प्रूफ मांगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाबा जी माँ बाप के वो मानो करते हैं, दूसरा चिल्लाता रहे बोलता रहे बारह साल तक। तो वहाँ तो आर्टिस्ट को कितने इनाम मिलते हैं, ये तो नॉलेज की बात है। यहाँ कोई चित्र आदि की कारीगरी की कला की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की बात है। कोई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा, इतना सुनाया, इतनी प्रजा बनी, और प्रजा तो बहुत अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ जाने क्या कहा? एक बूंद भी स्वर्ग में तो आ जाए। मैं ज्ञान का सागर हूँ, आपको बना देते हैं उसे बिंदी, तो कैसे सुनाएगा? बिंदी कैसे सुनाएगी? मैं ज्ञान का सागर हूँ, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में तो आ जाएंगे। तो बिंदी से एक बूंद कैसे टपक टपक गिरती रहती है क्या उसमें से? नहीं, वो तो सुनाता है, और सुनने वालों में से जो एक बूंद भी धारण कर लेते हैं तो उनको प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग में आ जाते हैं, वैकुंठ में आ जाएंगे, हाँ प्रजा बन जाएंगे। इसका मतलब यज्ञ के आदि में बहुत सी आत्माएं निकली, और किन्हों ने सच्चाई को, कोई कोई ने अच्छा सच्चाई से धारण किया और वो उस समय छोड़ करके चले गए, और दूसरों ने धारण नहीं किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा बाबा के प्यार लेने में लग गए। शिव बाबा की वाणी का उतना महत्व नहीं दिया, न पीयू की वाणी का दिया, और न बाद में ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली उसका भी महत्व नहीं दिया। किस बात में महत्व दिया? मिट्टी के पात्र में ज्यादा महत्व दिया। तो कुखवंशावली हुए तो मुखवंशावली हुए, कुखवंशावली हो तो जो कुखवंशावली हो गए वो ही रावण संप्रदाय ब्राह्मण हो, वो रावण संप्रदाय ब्राह्मण जो है आसुरी संप्रदाय के ब्राह्मण परमात्मा से बूंद प्राप्त करते हैं, माना वहां जाकर के प्रजा बन जाएंगे, ऊंच पद उनको नहीं मिला। वैकुंठ तो संभव ही है स्वर्ग, यहाँ भी ऐसा ही होगा। जिन्होंने यहाँ बूंद धारण की होगी वो वहाँ ऊंच पद थोड़े ही पाएंगे, और जिन्होंने बहुत कुछ धारण किया होगा वो राज परिवार में साथ साथ बैठेंगे। राजाओं महाराजाओं की सभा लगती है तो उसमें कोई कोई तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े औहदों पर बैठते हैं, कोई नीचे जाकर के पीछे जाकर के बैठते हैं। तो ये सारी सभा लगनी है ना कि नहीं लगनी है? वो जो बिंदी बिंदी आत्माएं दिखाई जाती है परमधाम में वो वहाँ की यादगार है, ऊंचो नीच की, या यहाँ माउंट आबू में बैठेंगे वहाँ ऊंचो नीच की यादगार, यहाँ साकार सृष्टि पे तुम बच्चे परमधाम को नीचे उतार लेंगे। तो साकार सृष्टि पे जब परमधाम नीचे आएगा तो वहाँ भी औहदे होंगे कि ये ऊंचे ऊंचे हैं, ये नीचे नीचे हैं, स्वर्ग का मोड़ बनेगा, आत्मी की स्थिति की बात क्यों नहीं होगा? एडवांस की ही बात हो रही, असली ज्ञान तो एडवांस ही है ना। एडवांस में भी प्रजा है, एडवांस में भी आता है कि अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देख लो, बड़े से बड़े कमबख्त देखना हो तो यहाँ देख लो। वो ज्ञान व्यान नहीं धारण करेंगे, जैसे चांडाल होते है ना, चांडालों का काम धारण करेंगे। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुम समझते हो प्रदर्शनी से बहुतों का कल्याण होता है। कौन सी प्रदर्शनी? तो उन्होंने ढेर सारे चित्र निकाले,
अरे ढेर सारे चित्रों की बात नहीं है, बाबा कहते हैं चार चित्रों को ही छत इतना ऊंचा बड़ा हो। बड़े बड़े चित्र बनावेंगे तो अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुलेंगी, तुमको समझाने में सहज हो जाएगा। प्रदर्शनी से बहुतों का कल्याण हो सकता है, लेकिन ये चार चित्रों से, हाँ चार चित्रों में समझाने में बहुत कल्याण होगा। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु फिर इसमें विचार सागर मंथन जरूर चाहिए। क्या इन चार चित्रों में बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाते रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उल्टी सुलटी माना व्यर्थ बातें, जो बाबा की मुरली में बोली हुई बातों के वर्गिलाफ और दूसरी दूसरी बातें हैं उनमें जास्ती ध्यान नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ, दूसरे दूसरे जो कुछ सुनाते हैं वो सब उल्टी सुलटी बातें हैं। मनुष्यों से जो कुछ आता है वो अज्ञान आता है, मैं जो कुछ तुमको सुनाता हूँ वो ज्ञान सुनाता हूँ। अपने मुंह मियां मिट्टी सबसे ज्यादा कौन बनता है, है? सबसे नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा मुंह मियां मिट्टी है शिव बाबा। वो गीता में भी ऐसे मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सबने बताया है, सबने श्रेष्ठ मैं हूँ, बात तो सच्ची बताते हैं, झूठी बात तो नहीं बताते। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। नंबर वन मुख्य बात एक है, क्या कोई को भी जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। जब है ही नंबर वन तो नंबर वन का परिचय देंगे तो नंबर वन में जाएगी, नंबर वन लिस्ट में आ जाएंगे। नंबर वन लिस्ट कौन सी है, सूर्यवंशियों। नंबर दो की लिस्ट कौन सी है, चंद्रवंशियों। फिर नंबर तीन नंबर चार इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन। तो कोई कोई बाप का परिचय, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है, सारी डोरी उस एक के हाथ में है। क्या कठपुतलियों का खेल देखा कभी, कठपुतलियों खेल जब दिखाते हैं तो पर्दा बड़ा होता है, कठपुतलियां ऊपर आकर के नाचती हैं, हाथ पांव उंगलाती हैं, तो उसमें धागे लगे होते हैं महीन महीन, और वो धागे जो है दस उंगलियों से वो नचाने में बहुत प्रैक्टिस, पक्की प्रैक्टिस होती है, वो यूं यूं करके नचाता रहता है अंगुलियों से। तो हम सब क्या है उसकी कठपुतलियां, उसकी कठपुतलियां हैं, वो जैसे जैसे नचाता है वैसे नाचते रहते हैं। कहते हैं एक एक पत्ते को पत्ते पत्ते को हिलाने वाला एक है। निराकार कैसे हिलाएगा, साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना, अंगुली से इशारा करेंगे सब कुछ परमात्मा करते हैं, करते हैं ना, उसको याद करो, वो सबका कल्याणकारी। ऊपर रहते हैं तो वो समझते हो कोई ऊपर रहता हो, अब ऊपर होने ही पता ही नहीं, तो ऊपर वाला ही ऊंचे से ऊंचा कर्म करके नीचे दिखाता है। नीचे आता जरूर है लेकिन नीचे आते हुए भी जो भी कर्म करता है ऊंचा कर्म करता है, जो भी बात बोलता है ऊंची बात बोलता है, जो भी संकल्प करता है ऊंचा संकल्प करता है। तो वो सबका कल्याणकारी ऊपर रहते हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहां हो, तुम आत्माएं भी वहां ऊपर की रहने वाली हो। ये सारी ज्ञान की बातें अब तुम्हारी बुद्धि में बैठी है, क्या कि हम सब भी वहां के रहने वाले हैं, लेकिन कोई ज्यादा लंबे समय तक ऊंची स्टेज में रहते हैं और कोई थोड़े समय तक ऊंची स्टेज में रहते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें तुम्हारी बुद्धि में, बाकी सबके पास तो भक्ति का भूसा है, तुम्हारे पास ज्ञान का धन है, वहां फिर ज्ञान कहां से आवेगा, कहां जो नई दुनिया होगी वहां ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो है सदगति करने वाला, ज्ञान से ही सदगति होती है, योग से सदगति नहीं होती। ये क्या बात, जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी शरीर से सदगति होती है, यह शरीर छोड़कर के ऊपर चले जाते हैं,
शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। तो जो शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं उनको गति मिलती है, सदगति उसे कहेंगे कि शरीर से जिंदा भी रहे इस दुनिया में, सुख भोगे दुख न भोगे। वो सदगति भी दो प्रकार की होती है। एक सदगति वो होती है कि हम इस जन्म में ही पुरुषार्थ कर रहे हैं और इसी जन्म में इसी शरीर से हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां हम सुख भोगेंगे दुख नहीं हो। कंचन का है जी, हाँ कंचन का या बनने वाला। और दूसरी सदगति उनकी होती है, शरीर तो यहाँ छोड़ देंगे लेकिन अगले आने वाली जो नई दुनिया है उसमें जन्म ऐसे लेंगे शरीर के कि वो शरीर से सुखी रहेंगे लेकिन दुखी नहीं रहेंगे। तो ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति है दुर्गति करने वाली। ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है, तो फिर गति कैसे होती है? सिर्फ योग करेंगे और ज्ञान बिल्कुल धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? गति होगी, सदगति नहीं होगी, दुर्गति भी नहीं होगी, गति हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा। मतलब मोक्ष, जैसे रावण को मोक्ष मिलेगा।